हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी TCS BPS ऑफर कैंडिडेट हो और आप 2024 बैच के कैंडिडेट हो तो आप लोग के लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट आ रही है, जो कि गाइस आपके ऑनबोर्डिंग रेडनेस के रिगार्डिंग होने वाली है। और गाइस, अगर आप ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हो और अभी तक आपको ऑनबोर्डिंग नहीं मिल रही है, तो गाइस मैं आपको सब कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ कब तक आपको ऑनबोर्डिंग मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मेल के थ्रू बताने वाला हूँ। और गाइस, TCS की तरफ से जितने रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके पास मेल आ रही है कि आपको ये चीज करना है, आपके उसके बेसिस पे ही आपको ऑनबोर्डिंग देने जा रहे हैं। तो गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, आपको किसी भी IT इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो गाइस आप इस चैनल पर आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि TCS BPS ऑफर्ड कैंडिडेट हैं और 2024 बैच के कैंडिडेट हैं, और वो अभी तक अपनी ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन गाइज, जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए TCS की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और उनको मेल भेज रही है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको उनके मेल पे या जहां भी उन्होंने बताया वहां पे आपको सेंड करना है। तो सब कुछ गाइज हम लोग इस मेल के थ्रू देखने वाले हैं, और मेल में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको कंप्लीट करना है। उससे पहले बता दें गाइज, अगर आपको ऑनबोर्डिंग कर चाहिए तो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो आपके रिस्पॉन्स और डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको ऑनबोर्डिंग के प्लान करेंगे। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो भी उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको नहीं पता हुआ क्या क्या सेंड करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो मेल आ रहा है उसमें क्या क्या बताया गया वो भी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि मेल में क्या क्या TCS की तरफ से बताया गया। तो गाइस, फाइनली जितने भी TCS बीफियर ऑफर स्टूडेंट थे जो कि अपने ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए गाइस TCS की तरफ से सबसे बिगेस्ट अपडेट आ रही है। और उन्होंने गाइस जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको एक गूगल फॉर्म सेंड कर रही है, जिसको गाइस आपको टाइमली कंप्लीट करना है, जिसके वजह से आपके ऑनबोर्डिंग का प्लान वो कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप लिंक ओपन करोगे, जब गूगल फॉर्म को फिलअप करोगे, तो उस टाइम गाइस वो आपके रिस्पॉन्स और आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे, उसके बाद ऑनबोर्ड करने वाले हैं। तो गाइस, एक बार हम लोग मेल को देखते हैं, मेल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, वी होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, दिस इज रिगार्डिंग योर ऑनबोर्डिंग रेडनेस फॉर TCS बीफियर ऑफर स्टूडेंट्स ऑफ 2024 बैच। तो गाइस, ये 2024 बैच कैंडिडेट्स के लिए ही अपडेट हो रही है। काइंडली फिल इन द बिलो गूगल फॉर्म्स, ओनली बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी वी विल बी एबल टू प्लान योर ऑनबोर्डिंग। तो गाइस, ये जो लिंक आपके पास मिल रहा होगा इसको फिलअप कर देना है टाइमली, जिसके थ्रू ये आपके रिस्पॉन्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे और ऑनबोर्डिंग के लिए आगे आपके नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो प्रोसेस होगा वो करने वाले हैं। इसके लिए गाइज आपको मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपको ऑनबोर्डिंग के लिए अरेंज करना होगा, जिसमें लिखा हुआ मैंडेटरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अरेंज फॉर ऑनबोर्डिंग, डोंट सेंड नाउ। अभी आपको सेंड नहीं करना, आपको बस अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑल ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन, जिस ऑल सेमेस्टर मार्कशीट या कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इफ सिक्स सेमेस्टर इस सेमेस्टर ऑनलाइन कॉपी इज अवेलेबल, कॉलेज अटेस्टेशन इज मैंडेटरी। तो गाइज, अगर आपके पास 6th सेमेस्टर मार्कशीट है तो आप लोग कॉलेज से अटेस्ट करवा के, साइन करवा के आप लोग सबमिट कर सकते हो। आगे गाइज, जो अगला डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओनली इन TCS फॉर्मेट में होनी चाहिए। TCS अप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो फ्रॉम TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से आपको मिल जाए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, बोथ साइड स्कैन होनी चाहिए। पैन कार्ड की बात करें तो मेजर में होनी चाहिए, बोथ साइड स्कैन। मेजर मीन्स कि अगर आप 18 ईयर से अबव के हो तो आपको मेजर का पैन कार्ड बनता है, अगर बिलो के हो तो माइनर का पैन कार्ड बनता है। तो आपको आपके पास मेजर का होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट में गाइज यहाँ जो बताया गया है ये आपको पढ़ लेना, ये आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है जो कि TCS आप लोग के लिए दे रही है। तो गाइज, अगर आप भी अनबोर्डिंग के लिए चाहते हो कि जल्द से जल्द अनबोर्डिंग मिल जाए, तो आपको जो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके अपने पास प्रिपेयर रखना है, ताकि जब भी इनको रिक्वायर्ड हो आपको सेंड करना हो या आपसे जो भी डिटेल्स हो चाहिए वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। तो गाइज, ये रही आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट। तो चलिए गाइज, आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।